नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनीषा। आज की वीडियो नवरात्रि व्रत पूजा से संबंधित होने वाली है। आप सभी के बहुत सारे प्रश्न आए हैं, उन सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे आप भी 9 दिन की नवरात्रि की पूजा विधिवत तरीके से करके माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकें। तो चलिए देर न करते हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में माता रानी की कृपा सदियों बनी रहे, आपके घर में सुख समृद्धि आए, खुशियों की बौछार हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। दोस्तों, बहुत सारी बहनों का प्रश्न है कि यदि हम इस तरह से चौकी अपने घर में नहीं लगा पाते हैं तो कैसे पूजा अर्चना करें जिससे हमें भी माँ रानी की कृपा प्राप्त हो। अब बहुत सारी बहनें 9 दिन का व्रत है तो उनके भी बहुत सारे सवाल हैं कि क्या जो हम फूलों की माला चढ़ाते हैं देवी माता को, ये दोनों समय सुबह और शाम चढ़ाना है? जो भोग प्रसाद हम लगाते हैं दोनों समय हमें लगाना है? बहुत सारी बहनें वर्किंग हैं जो कि ऑफिस जाती हैं, अपने काम पे जाती हैं, सुबह इनके पास इतना समय नहीं रहता है कि पूरा माला पुष्प चंदन हार आरती फूल ये पाठ आदि कर सके। तो कैसे चौकी स्थापना भी कर लें और ऑफिस भी चली जाए और पूजा भी हो जाए, और कैसे हम व्रत का लाभ लें? और साथ ही बहुत सारी बहनों का प्रश्न है कि क्या जो कागज की प्रतिमाएं हैं उनकी और जो धातु की प्रतिमाएं होती हैं उनकी सेवा में पूजा में कोई अंतर होता है कि नहीं? अब ये बहुत सारे सवाल हैं। और साथ ही एक बहन का प्रश्न आया था कि हमारे यहाँ सिर्फ अष्टमी तक ही होता है, हमारे परिवार के लोग अष्टमी तक ही करते हैं, उसके बाद फिर भोजन आदि कर लेते हैं, तो हम कैसे नवमी तक का व्रत करें? जैसे कि मैंने आपको बताया था कि नवमी में ही 9 दिन का व्रत करके कन्या पूजन करके करना चाहिए। और साथ ही श्रृंगार के बारे में, यानी कि स्वयं हम श्रृंगार करें कि ना करें, आदि बहुत सारे इस तरह के सवाल हैं। तो दोस्तों, देर ना करते हुए अपने टॉपिक पर आते हैं और आप सभी के एक एक प्रश्नों का जवाब हम देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो जब आपने इस तरह से चौकी लगाई है और चौकी में पूजा सुबह सवेरे आप सिर्फ 5 मिनट ही अगर कर लेंगी तो भी आपके लिए बहुत है। कैसे? जैसे कि आप माता रानी को सबसे पहले घंटी की ध्वनि या फिर तालियों से जागृत कराएं, उसके बाद ही भगवान तो हर जगह विद्यमान है, हमारे भाव की जरूरत होती है, लेकिन हम उन्हें अपने तरीके से भगवान को देखना चाहते हैं, तो इसलिए हमें जगाने का भाव करना है। वैसे भगवान कभी सोते नहीं है, तो इस तरह से जगाएं और फिर एक जो भी श्रृंगार आपके पास है, यानी कि फूल माला आप रख लीजिए, भोग मिष्ठान जो भी साधारण तरीके से है वो आप रख लीजिए। ये करके आप फटाफट से एक गीले कपड़े से, देखिए जो ये कपड़ा होता है हम लोग प्रसाद वगैरह के लिए लेते हैं, इसे आप पोंछने के काम में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे आप गीला कर लीजिए और फिर इसे तह करके हल्के से बिल्कुल भाव से चंदन वगैरह इस तरह से आपको माता का साफ कर देना है। और फिर जैसे जैसे आप साफ करते जाए ना, माता रानी का ध्यान, नौ दुर्गा का जो स्वरूप है उसे जयकारा लगाते जाए, उसके बाद फिर जो पुष्प है आप उसे चरणों में रख दीजिए, जल घुमा दीजिए और फिर माता रानी को चंदन लगा दीजिए, एक ही प्रकार का चंदन। जैसे मैंने आपको अष्टगंध बताया, हल्दी बताया, कुमकुम बताया, सिंदूर बताया, ये सभी करने में थोड़ा सा समय लगता है, तो आप सिर्फ हल्दी का टीका ही लगा दीजिए, अष्टगंध का ही टीका लगा दीजिए और उसके बाद फिर माता रानी को धूप दीप दिखाकर भोग लगा दीजिए, चरणों में पुष्प या फिर माला हो तो माला चढ़ा दीजिए। कहने का अर्थ है कि पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। अब दीपक की बात आई है तो दीपक, जैसे कि मैं आपको कैमरा दिखाऊंगी, अभी भी मेरा दीप यहाँ पर जल रहा है, तो दीप आप उतना ही घी या तेल डालें जितनी देर आपको घर में रहना है, क्योंकि दीपक जलाकर आप बाहर से बंद करके लॉक करके नहीं जा सकते, ये दीपक के नियम में आता है। देखिए, इससे आपका ही नुकसान हो सकता है, कहीं कुछ चीज गिर जाए, कोई जानवर आ जाए, कोई जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं चूहे हमारे ये सारी चीजें लेके चले जाते हैं, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है और आपका नुकसान हो सकता है, इसीलिए ये जहां पर अग्नि वगैरह प्रज्वलित होती है थोड़ा सा नियम को आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये चीजें हो गई, अब पूजा आप चले जाइए, संध्या के समय आकर आप बिल्कुल स्नान ध्यान करके शुद्ध साफ वस्त्र पहनकर विधिवत तरीके से माता रानी की पूजा करें और भोग लगाएं, फूल माला चढ़ाएं, फिर मंत्रों का जप कर लें। यदि आप हर दिन हवन करना, देखिए हवन के बारे में भी लोग ने पूछा था, तो देखिए यदि आपके पास समय है तो आप हर दिन हवन कर सकते हैं 11-21 इस तरह से, नहीं तो आखिरी वाले दिन आप हवन कर सकते हैं। तो ये जो लोग
वर्किंग है, जो जॉब पर जाते हैं, वो इस तरह से सुबह सूक्ष्म तरीके से पूजा कर ले और संध्या के समय या फिर रात्रि में, यानी सारे काम निपटाने के बाद स्वयं लेकिन भोजन ना करें। देखिए, क्योंकि देखिए भोजन करने से कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या हम बिना, जैसे बिना व्रत किए शाम को भोजन किए हैं दोपहर का और शाम को आरती वगैरह, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए भोजन ना करने की सलाह इसलिए दी जाती है कि जब हम भरपेट भोजन कर लेते हैं तो हमारा मन आराम करने को करता है, कुछ काम करने में दिल नहीं लगता है। इसीलिए हल्का सुपाच्य भोजन यानी कि जल और फल पर लेकर 9 दिन का हम व्रत करते हैं, उससे हमारे बॉडी डिटॉक्स भी होती है और हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहता है और हम पूजा पाठ में ज्यादा देर तक बैठ पाते हैं, ज्यादा अच्छे तरीके से मन। अब भरपेट खाना खा के आपसे बैठा ही नहीं जाएगा, आपके पेट में उबासी आएगी, गैस बनेगी, डकार आएगी, दुनिया भर की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती। इसीलिए बिना खाए पिए व्रत करने की और पूजा पाठ करने की सलाह दी जाती। इसीलिए यज्ञ हवन आदि में भी यही चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। और जो हम खाना पीना खाते हैं वो स्मेल भी आती है, क्योंकि सुगंध बहुत मायने रखता है। इसीलिए देखिए इत्र चढ़ाने की बात कही है, धूप दीप अलग अलग खुशबू हम मंदिर में करते हैं, जैसे एक अलग सा ऑरा आता है ना, आप मंदिर में आते हैं तो वहां की खुशबू से आपका मन चित्त प्रसन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी छोटी चीजें इस तरह से आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। ये हो गई। अब जो लोग अपने पूजा मंदिर में इस तरह से रखना चाहते हैं मंदिर और वो रख नहीं पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो आपको एक काम करना है, जो आपके देवी दुर्गा की प्रतिमा है उसके सामने इस तरह से एक श्रीफल, ये मैं आपको दिखाने के लिए रखी हूँ, कि इस तरह से एक लाल चुन्नी लेकर आए, उसके अंदर पानी वाला नारियल माता जी के चरणों में आपको रख देना है, जहां भी आपके मंदिर में जगह हो चाहे आप यहीं पर रख दें, और फिर रोज पूजा करें और आखिरी वाले दिन ये श्रीफल जो चरणों में आपने रखा उसे तोड़कर माता रानी को प्रसाद के रूप में ग्रहण करा के आप हवन कन्या पूजन आदि सब कर सकते हैं बिना व्रत किए। जरूरी नहीं है कि आप व्रत ही करें, इन दिनों में आप अन्य चीजों का त्याग कर लें, यानी कि हल्का सुपाच्य भोजन करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें। प्याज के बारे में भी कई लोगों ने पूछा था, तो देखिए लहसुन प्याज खाने से दुर्गंध आती है, उसकी स्मेल लंबे समय तक बनी रहती, इसीलिए पूजा पाठ में ये दुर्गंध युक्त चीजें इस्तेमाल करने के लिए मना की गई है। और उसकी जो तासीर होती है, हम बात करें हर भोजन की एक अपना गुण होता है, नेचर जिसे आप कहते हैं, तो उसकी जो तासीर है वो तामस है, तमस है, तो इसलिए उसे भोजन में पूजा पाठ के दौरान इस्तेमाल करने की मनाही होती है। ऐसे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि वो मांस मदिरा के बराबर होता है, क्योंकि वो भी भूमि में उत्पन्न होता है, उससे बहुत सारी औषधियां वगैरह बनती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन देवी देवताओं के कार्य में तामसिक चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगली बात है कि हम अपने घर में जो पूजा पाठ है, फूल माला है, तो ये आपके ऊपर है, आप दोनों समय लगाएं, दोनों समय आपको भोग, लेकिन देखिए चौकी आपने रखी है तो ये सारा आपको नियम के अंतर्गत आता है, फिर तो आपको दोनों समय ही करना ही है। और रही बात रोज की पूजा में, तो रोज की पूजा में भी आप दोनों समय भोग लगा दें, थोड़ा सा तो भोग लगता है, कितना बहुत सारा लग जाता है, जरा सा आपको लगाना है फिर वापस आपको ही तो खाना है, तो आप लगा दीजिए, ऐसा प्रॉब्लम आप ना करिए कि बहुत ज्यादा आप उसे सोच विचार करें। ठीक है, अब दूसरी बात पीरियड की आती है, कि बहुत सारे बहनों ने पूछा था कि पीरियड के दौरान, अब मान लीजिए कलश स्थापना आपने कर ली, आपका पीरियड आ चुका है, तो देखिए पीरियड का तो आपको पहले से मालूम होगा ना कि किस डेट को हमारा आएगा, 2-4 दिन आप मार्जिन लेकर चले, यदि 2-4 दिनों में आने वाला है तो आप कलश स्थापना ना करें, सिर्फ अपने घर में बैठकर पूजा अर्चना देवी माता के सामने करते रहे और बीच में पीरियड आ जाएगा, कोई बात नहीं, आप अपने हेयर वॉश करके जब आपकी ब्लीडिंग बंद हो जाएगी तो आप पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। अब मान लीजिए इन केस कभी कभी किसी को प्रॉब्लम भी होती है, अचानक से आ जाता है जो उन्हें पता नहीं होता है, अब ऐसे में यदि आपके घर में कोई छोटा बच्चा भी है तो सिर्फ आप एक दीप यहाँ पे प्रज्वलित, थोड़ा सा घी डाल के करवा दीजिए और यहाँ पर कुछ भोग फल ही रखवा दीजिए और प्रणाम करवा, बच्चे कितना कर पाएंगे, छोटे बच्चे हैं तो, और इस तरह से करके आप करवा सकती हैं। यदि कोई नहीं है तो सिर्फ मानसिक विधि से आप दूर बैठकर हे माता रानी
अभी हमारे पास इस तरह की समस्या है, हम आपको ये सारी चीजें नहीं कर पा रहे, हम मानसिक रूप से आपको भोग मिष्ठान चढ़ा रहे हैं, आपको पुष्पों की माला चढ़ा रहे हैं, आपको हम पूजा आरती धूप दीप सब मानसिक विधि से कर रहे हैं, तो आप इसे स्वीकार करें और हम पर प्रसन्न हो, अपनी कृपा बनाएं। बस इस तरह से भी भाव आप कर लेते हैं तो आपकी पूजा अर्चना हो जाती है। देखिए आपने जो माता रानी की आरती है ना, उसमें सुना होगा ना, पूत कपूत सुना है, परना माता सुनी कुमाता, यानी कि माता कभी हमारा अहित कर ही नहीं सकती है ना। बहुत सारे लोग डर जाते हैं कि मैम माता नाराज हो जाएंगे, रुष्ट हो जाएंगे, बहुत सारे लोग वीडियो में भी लिख देते हैं, तो देखिए वो अपनी वीडियो को हाईलाइट करना चाहते हैं इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। बारे में पूछा था कि जैसे कि अभी ये आरती हुई है, यहाँ पे ये बर्तन रखे हुए हैं, तो क्या इस तरह से धातु के बर्तन हमें हर दिन दूसरे लेने हैं, इसी बर्तन में हम रोज लगा सकते हैं, कि फिर हम मिट्टी के दिए ले लें? तो आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे कि ये सुबह आपने आरती करी है, तो अब शाम को पूजा से पहले जब आप यहाँ के जो सूखे फूल हैं, शाम को ये सारे फूल वगैरह सूख जाते हैं, इन्हें आपको हटा लेना है। और जो लौंग इलायची यहाँ पर चढ़ाई, उसके बारे में भी लोगों ने पूछा था कि रोज हमें चढ़ाना है, तो पहले दिन आप लौंग इलायची पान सुपारी आदि चढ़ा दें, दो लौंग आप प्रतिदिन चढ़ा दें, और वो लौंग बाद में कंटेनर में उठा के रख लें, जब किसी विशेष कार्य के लिए आप जाएं लौंग खा के जाते हैं तो आपका कार्य निर्विघ्न संपूर्ण होता है, तो इसलिए वो लौंग इलायची सभी कंटेनर में रखें। और जो सुपारी होती है, यहाँ पे ये रखा हुआ है, ये देखिए सुपारी और पान है, तो पान को क्या करें सुपारी को, तो ये सुपारी आप एक कंटेनर में इकट्ठा करते जाएं, जब उसमें ये सुपारी रख दें और पंडित जी को आप दे दीजिएगा। इसी तरह से जनेऊ भी कर सकते हैं, और ये जो पान के पत्ते हैं इन्हें फूलों के साथ आप विसर्जित कर दीजिएगा, और ठीक है लौंग इलायची आप खाते हैं तो रख लीजिएगा, हल्दी की गांठ भी इस तरह से आपको करनी है, ठीक है। और ये वाला नारियल हम तोड़ सकते हैं, जो अलग से रखते हैं, और जो कलश में हमने लगाया हुआ है ये नारियल जल प्रवाह करना चाहिए, ठीक है, तो ये आपको तोड़ के नहीं खाना है। पहले के समय में जब हमें जानकारी नहीं थी, ज्ञान नहीं था, बचपन में हमारे घर में भी हमारी दादी लोग इस नारियल को तोड़ के प्रसाद ले देती थी, अब जब से हमने देवी भगवत पुराण में पढ़ा है कि कलश के ऊपर रखा हुआ जो नारियल होता है उसे कभी भी घर में तोड़कर ग्रहण नहीं करना चाहिए, तब से हम लोग इसे जल प्रवाह कर देते हैं। जिसके यहाँ जल की व्यवस्था नहीं है वो लोग पीपल वृक्ष के नीचे खड्डा खोदकर वहां पर दबा सकते हैं, विसर्जित कर सकते हैं। फिर इस नारियल को चींटी वगैरह खा लेती हैं तो उनसे भी आपको पुण्य की ही प्राप्ति होती है। तो ये बहुत सारे छोटे छोटे सवाल थे। अब देखिए दिए की बात रह गई, तो दिया आपको शाम को इसे धोकर साफ कर लेना, जो इसकी कालिक है ना, ये हमें साफ सुथरी चीजें इस्तेमाल करनी है। और जल आप एक दिन पहले भी रख सकते हैं, सुबह का जल जैसे यहाँ पे रखा है, तो ये गंगा जल यदि है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको कवर कर दें, ढक दें, धूल गंदगी आदि ना पड़े यदि इस तरह, तो ये जल पूरे घर में छिड़क कर गमले में डाल दीजिए, दूसरा जल लेकर आप पूजा में बैठ सकते हैं। अब ये देखिए मैं मिट्टी का ढेर सारा दिया हम लोग मंगवा के रखते हैं, ये जैसे दीपावली में ना, तो अक्सर हम लोग मंगवा लेते हैं और इस दिए को ही हम लोग रोज दीप आरती करने के लिए, कुछ भी करने के लिए नए नए दीपकों का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। बाद में इस दियो को आप तोड़कर पाउडर भी बना के घर में कुछ भी अपने गमले वगैरह में भी डाल सकते हैं, या फिर आप इसे फेंक भी सकते हैं, इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना ज्यादा परेशान ना हो। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें आप सभी के मन में कंफ्यूजन पैदा करती है, जो कि पूजा में विघ्न बाधा उत्पन्न करती है, तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो आप सभी के लिए लेकर आऊं, जिससे आप सभी की कंफ्यूजन को दूर कर सकूं और आप भी अपने घर में विधिवत तरीके से माता रानी को प्रसन्न कर पाए और माँ रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।